क्यों क्यों हत्या की अपने पति की? हमने नहीं, क्यों वो दारू पी के अपने आप मरे, हमने नहीं हत्या की। क्यों मार डाला, क्या कसूर था आपके पति का? हमने नहीं मारा, हो गया फुट हो गई ना। अब ये जरा मास्क हटाइए, मास्क हटवाइए, मास्क हटा दीजिए। नहीं रहने दो, छोड़ो। देखिए, थाना नौबस्ता की टीम ने एक बेहद जरूरी खुलासा किया है, जिसमें कि एक मर्डर की घटना सामने आई है। दिनांक 21 मार्च को एक व्यक्ति जिनका की नाम पुनीत शर्मा है, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने बेटे, बहू और पोते और पोती की गुमशुदगी थाना नौबस्ता पर दर्ज करवाई गई थी। इस गुमशुदगी पर जब थाना नौबस्ता पुलिस ने काम करना शुरू किया, तो इसमें एक कहानी निकल कर सामने आई, जिसमें कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी जिसका नाम आयुष शर्मा है, उन दोनों ने मिलकर प्रतीक शर्मा की लखनऊ ले जाकर हत्या कर दी। और उसके बाद अपने घर आकर यह बता दिया कि प्रतीक शर्मा की गाड़ी खराब हो गई है और वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रतीक शर्मा की पत्नी थी नेहा, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आयुष के साथ फरार हो गई थी। और उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, वो काफ़ी कर्ज में डूबने के कारण यहाँ से चले गए हैं और इसी वजह से वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि 6 मार्च को नेहा शर्मा अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके अयोध्या गई। वहाँ से फिर आयुष शर्मा के साथ ये लोग सब लखनऊ चले गए। वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक करके इन्होंने शराब में नींद की गोलियाँ मिलाकर मृतक प्रतीक शर्मा को दे दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। और वहाँ पर उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद शव को कब्जे लेकर इनके द्वारा उसका दाह संस्कार भी किया गया। इसके बाद नेहा शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल नौबस्ता वापस आ गई और वहाँ पर 2-3 दिन रही। और उनके द्वारा अपने ससुर को ये बताया गया कि जो पति हैं प्रतीक शर्मा, उनकी गाड़ी बाराबांकी में ख़राब हो गई थी और वो उसे ठीक करवा कर वापस आएंगे। इस तरह इनके द्वारा पूरी घटना को अपने ससुराल से छुपाया गया, जिससे इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई। आज सुबह इन्हें इन दोनों व्यक्तियों को, नेहा शर्मा और आयुष शर्मा को, थाना नौबस्ता ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई, तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। प्रतीक शर्मा की लास्ट लोकेशन क्या थी? वो तो मोबाइल तो ऑन ही है ना उसका, कि मोबाइल द्वारा मैसेज लगातार किए जा रहे हैं। हाँ हाँ, कौन ऑपरेट कर रहा था? यही लोग कर रहे हैं ना, आपस में यही लोग कर रहे हैं। हाँ।